आलू 200 रुपए के जी, 710 रुपए किलो हरी मिर्च और दूध का रेट तो ये है कि 1 किलोग्राम की जगह 100-100 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं ताकि लोग खरीद सके। और आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, तो ये हालात हैं श्रीलंका के। और ये हालात की स्थिति उसके दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। श्रीलंका की हालिया स्थिति को लेकर आ रही खबरें और आंकड़े वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं महंगाई तो अपने आप बढ़ रही है, पेट्रोल और सरसों के तेल ने तो मिडिल क्लास फैमिली की कमर ही तोड़ दी है, तो क्या हम भी दिवालिया होने वाले हैं? सवाल बिल्कुल जायज है। आखिर पूरा देश कंगाल कैसे हो सकता है? आखिर श्रीलंका की ये हालात क्यों हो गई? आज हम सब बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दिवालिया होना क्या होता है। जब कोई इंसान लोन चुकाना बंद कर देता है और उसके बाद फोन आते हैं, धमकी भरे लेटर आते हैं और फिर दूसरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश होती है, इसका अंत दिवालिया होने से होता है। और समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं। आपने किसी कंपनी या बिजनेसमैन के साथ ये टर्म जरूर सुनी होगी। और आपको बता दूं, कंपनी और इंसान की तरह देश भी दिवालिया हो सकता है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही है, और अगर क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई तो आपको कर्ज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। और ऐसे में इंटरनेशनल वित्तीय संस्थानों का उस देश से भरोसा उठ जाता है और कर्जदाता कर्ज अदायगी की डेट बढ़ाने से भी इनकार कर देते हैं। और ऐसी हालात श्रीलंका की है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका अब ये बोल रहा है कि सिर्फ भारत ही इस संकट से बचा सकता है। अब भारत इसकी कितनी मदद करेगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि श्रीलंका आखिर इस हालात में कैसे पहुंच गया। फॉरेन करेंसी 2019 के अंत में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार, अंग्रेजी में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 7.6 अरब डॉलर था। ये पैसा वैसे तो 2020 में 5 महीने के आयात के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी विदेशी कर्जों और बाकी फॉरेन एक्सचेंज की तुलना में काफ़ी कम था। 2020 की शुरुआत से ही श्रीलंका रुपया काफ़ी दबाव में था। 2020 के लास्ट तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 5.7 अरब डॉलर पहुंच गया। और 2021 के नवंबर महीने में 1.6 अरब डॉलर हो गया, यानी सिर्फ 2 सालों में 6 अरब डॉलर खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर के मुताबिक श्रीलंका को इस साल 4.5 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो डिफॉल्टर हो जाएगा। दोस्तों, दिवालिया होने का सारा खेल पैसों का है और श्रीलंका के पास वो नहीं बचा। इसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह कोविड को कह सकते हैं। दरअसल श्रीलंका का जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है और जब से कोविड आया है तब से पूरी तरह ठप पड़ गया है। इससे ये हुआ कि पैसों का इनकम होना बंद हो गई है, पर आउटगोइंग चालू नहीं है क्योंकि इस दौरान सरकार ने जरूरी चीज़ों का ही इंपोर्ट किया है, जैसे पेट्रोल, दवाई, कॉटन और खाने पीने का सामान। मगर एक्सपोर्टिंग इस दौरान काफ़ी प्रभावित हुई है। और जब पैसा नहीं आ रहा है बल्कि जा रहा है तो देश में जो सामान है उसका रेट आसमान छू रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि श्रीलंका की सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर इम्पोर्ट पर बैन लगवा दिया था ताकि देश के कुछ लोग सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके खेती करें। और इससे ये हुआ कि किसान की फसल की पैदावार एकदम से घट गई, खाने की शॉर्टेज हो गई। हालांकि ये बैन हटा दिया गया है, पर अब क्या करें, चिड़िया चुग गई खेत। हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के पास है। एक तो श्रीलंका के ऊपर पहले से इतना कर्ज था और ऊपर से गरीबी में आटा गीला, तो ये है कि चीन से मिला भारी कर्ज, कर्ज नहीं चुका पाने की एवज में श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 100 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा। इतना ही नहीं, 15,000 एकड़ जमीन भी चीन ने हथिया लिए। इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि श्रीलंका ने जो चीन को जमीन सौंपी है वह भारत से उसकी दूरी सिर्फ 100 मील है, जिसके वजह से विशेषज्ञ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत के बाद 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। इस सभी कारणों की वजह से श्रीलंका के पास पैसे नहीं बचे हैं। खर्चा और कर्जा दोनों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर उसने अपने खर्चे को मैनेज नहीं किया और कर्ज अदा नहीं किया तो द गार्जियन के मुताबिक इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा। अब क्या करे श्रीलंका? इसके 2 तरीके। पहला, जो श्रीलंका कर ही रहा है वो सोना बेचकर अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। श्रीलंका की केंद्रीय बैंक ने कहा, खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को देखते हुए गोल्ड रिजर्व के एक हिस्से को बेच दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवॉर्ड कैबरॉल ने कहा है कि श्रीलंका ने अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट यानी कैश को बढ़ाने के लिए बेचा है। इकोनॉमी नेक्स्ट के रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार है, जिसमें से लगभग 3.6 टन सोना बेचा गया, जिससे उसके पास लगभग 3.1 टन सोना ही रह गया। लेकिन यह शॉर्ट टर्म के लिए सही है,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना है तो ये है कि देश में इन्वेस्टमेंट लाना होगा और अपना टूरिज्म पहले से तेज करना होगा, जिससे वहाँ इनकम चालू हो सके और पैसे का फ्लो बना रहे। अगर भारत की बात करें तो महंगाई कर्ज की वजह से नहीं बढ़ी, उसकी कई अपने वजहें थी जिनके बारे में किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आप इतना जान लीजिए कि भारत के पास उसके कर्ज से काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।